आपके साथ नताशा सेठी एडवोकेट है और प्रोफेसर फायर एसोसिएशन की तरफ से खुशी मुखर्जी तक एकेडमी में आपको वेलकम करते हैं और लॉ के 14 डे शेड्यूल के बारे में आपको इन्फॉर्म करते हैं कि हम लोग लॉ के की 15 डेज की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम 10 जून से। तो यहाँ पर आपसे शेड्यूल शेयर किया जा रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि डेज डेट सब्जेक्ट रिविजन एंड टेस्ट और मॉक टेस्ट के बारे में आपको बताया जाएगा, क्लासेस शुरू कैसे होंगी, उनमें क्या क्या डिस्कस किया जाएगा और किस तरह से आपको एक स्टडी प्लान दिया जाएगा कि आप अपनी क्लासेस ज्वाइन करें और अपने सब्जेक्ट को कवर करें और लॉ गेट को पास करें जस्ट विथिन 10 जून से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है जिसमें सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन को डिस्कस करेंगे और स्पेशली जो केसेज है कॉन्सेंट्रेशन के उनको डिस्कस किया जाएगा, उनको पढ़ा जाएगा। 11 जून को हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉ को जो आपका 5 मार्क्स का है और उसके बाद हम साथ में ही उसको कवर करेंगे इंग्लिश के स्टूडेंट्स को जिसमें आपके सिर्फ ओनली 5 मार्क्स क्लियर होते हैं। उसके बाद 12 जून की जो हमारी क्लास होगी उसमें रिविजन एंड क्यूरीज होगी जिसमें बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है या उनको कुछ चीज समझ नहीं आ रही या कोई चीज उन्होंने रिवाइज करनी है तो वो एक डे रखा जाएगा जिसमें हम आपको रिविजन एंड क्यूरीज देंगे, ठीक है। इसके बाद जो 13 जून का प्लान है उसमें हमारे पास सिविल लॉ ऑर्डर है 20 मार्क्स का, इसको हम कवर करेंगे जिसमें हम सिर्फ ऑर्डर्स को कवर करेंगे क्योंकि सीपीसी में आपको पता है कि ऑर्डर्स और सेक्शंस का पार्ट अलग है तो हम ऑर्डर्स को कवर करेंगे। ऑर्डर्स इतने ज्यादा नहीं है, स्टार्टिंग के कुछ ऑर्डर्स हैं और लास्ट के कुछ ऑर्डर्स हैं जिनमें 6 से 7 ऑर्डर्स मिलते हैं और जो उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है फ्राइडे, फ्राइडे को हम लोग रिविजन डे रखते हैं जिसमें हमने जो जो पहले चीजें पढ़ी हुई होती हैं उनको रिवाइज किया जाता है स्पेशली क्योंकि हम लोगों ने एक लेंथी सिलेबस कवर करना होता है और जैसे जैसे आप लोग उसको कवर करते जाते हैं तो कुछ चीजें आपको भूलती जाती है, फिंगर टिप्स पे भी नहीं रहती तो इस वजह से हम लोग रिविजन डेज रखते हैं ताकि जो आपने पिछले 1-2 दिन में पढ़ा हो वो तीसरे चौथे दिन आप रिवाइज कर लें, ठीक हो गया। इसके बाद आपका फ्राइडे को टेस्ट भी दिया जा सकता है, ये 2-3 चीजें होती हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि जी आप रिवाइज भी कर सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं। वो बच्चे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं कुछ जॉबियंस होते हैं कुछ कोर्ट पे फेरी जा रहे होते हैं कुछ केसेस को डील कर रहे होते हैं तो जो बच्चे रिवाइज करना चाहते हैं वो रिविजन में आ सकते हैं और जो बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं वो टेस्ट में भी आ सकते हैं, दोनों चीजें अवेलेबल है। किसी पे भी कोई बर्डन नहीं है कि हम टेस्ट नहीं दे सकते, आज हम अवेलेबल नहीं है, आज हम सिर्फ रिवाइज कर लेंगे, जो आपका स्टडी प्लान होगा उसके मुताबिक आपको रिलीफ दिया जाएगा। इसके अलावा 15 जून से जो हमारी क्लास होगी उसमें हमारे पास होगा इस्लामिक जो स्टूडेंट्स और सिविल लॉ के सेक्शन, ठीक हो गया। संडे हमारे पास आ जाएगा जिसमें हमारा ऑफ होता है मोस्टली और लेकिन उसमें हम रिवाइज करवाते हैं क्योंकि 15 डेज क्लासेस होती हैं तो रिविजन में हम चले जाते हैं और जो हमने टेस्ट लिए हुए होते हैं बच्चों से जिन बच्चों ने टेस्ट लिए हुए होते हैं हम उनको उनकी मिस्टेक्स बताते हैं, रिवाइज करवाते हैं कि ये चीज आपने की थी और ये चीज आपने नहीं की थी, आपको क्या करना चाहिए था। नेक्स्ट जो आपके पास डे आएगा वो 17 जून जिसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा, जो जो आपने पढ़ा है उसी का ही आपका टेस्ट होगा। 18 जून का जो प्लान है हमारा उसमें हमने रखा है पाकिस्तान पीनल कोड और इसी को हम कवर करेंगे, इसी को हम पढ़ेंगे और जो हमारा रिविजन और क्यूरीज का नेक्स्ट डे होगा उसमें हम पीपीसी को ही रिवाइज भी करेंगे और कुछ बच्चों के अगर कुछ एम्बिग्विटीज होती हैं या उनको कोई सेक्शन समझ में नहीं आ रहा होता या उनके कोई ऐसे सवाल होते हैं पीपीसी को लेकर तो हम उनके जवाब देते हैं। 20 जून को हम स्टार्ट करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इसी के साथ नेक्स्ट डे जो आपका होगा उसमें आपका रिवाइज डे होगा जिसमें क्यूरीज रिविजन ये सब आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले आपके पास फ्राइडे आएगा 21 जून को जिसमें पीपीसी का टेस्ट लिया जाएगा और उसी में ही आपको मार्क्स भी बताए जाएंगे और जो आपका रिविजन एंड क्यूरीज का डे होगा उसमें आपसे डिस्कस भी किया जाएगा कि आपने पीपीसी में कहाँ मिस्टेक्स की थी और किस तरह से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या एमसीक्यूज में जहां आप मिस्टेक करें या कोई चीज आपको याद नहीं हो रही तो आपने याद कैसे करनी है, ठीक हो गया। जून 24 में आपके पास होगा लॉ ऑफ एविडेंस जिसको क्यूएसओ भी कहा जाता है, मेनली इसको क्यूएसओ ही कहा जाता है, ठीक है।
तो ये आपके पास आ जाएगा, और इससे पहले आपके पास आएगा संडे, संडे 23 जून है, तो डेफिनेटली आपके पास सीआरपीसी का टेस्ट होगा जो आपके आपका रिवीजन एंड क्यूरीज के बाद होगा। लॉ ऑफ एविडेंस का जो आपका रिवीजन एंड क्यूरीज होंगी वो आपकी 25 जून। प्रोफेशनल एथिक्स रह जाएंगे जिसमें आपके पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और ये आपके डिस्कस किए जाएंगे, आपको पढ़ाए जाएंगे 25 जून को, सॉरी 26 जून को। और इसके बाद 27 जून को टेस्ट लिया जाएगा आपका क्यूएसओ एंड एथिक्स का, ठीक है। और 28 को आपको रिवाइज करवाया जाएगा या ऑफ दिया जाएगा ताकि आप इसको सारे को रिवीजन कर सके। और 28 को जो आपका एक रिवीजन डेट आता है उसमें आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसपे आप अपने टीचर से या अपने लेक्चरर से बात कर सकते हैं, उनसे अपने एमसीक्यूज के बारे में पूछ सकते हैं, उनसे अपनी तैयारी के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपके पास पूरे सिलेबस को लेकर कोई ऐसी एम्बिग्विटी है जो आपको समझ में नहीं आ रही तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा 29 जून, क्योंकि 30 को आपका टेस्ट है लॉग एट का, तो 29 जून को हमने एक मॉक टेस्ट रखा होता है जिसमें A to Z जो भी आपने पढ़ा हुआ होता है उसी से रिलेटेड आपके पास एक पेपर पैटर्न के हवाले से, पेपर पैटर्न के साथ आपको एक टेस्ट दिया जाता है 100 MCQ का, और जिस जितने मार्क्स का आपका लॉग एट का टेस्ट होता है उतने ही मार्क्स का हम आपसे मॉक टेस्ट लेते हैं। और इसके अलावा आपको जो बबल शीट प्रोवाइड की जाती है, कुछ जो बच्चे फिजिकली टेस्ट देना चाहते हैं उनको बबल शीट प्रोवाइड की जाती है, और जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट ले रहे होते हैं उनको या तो MS Word में दिया जाता है या फिर गूगल फॉर्म में दिया जाता है, तो वो अपने तरीके से भी उसको फिल कर लेते हैं जिससे उनको इजी लगता है। इसके अलावा जो हमारी क्लासेस टाइमिंग है वो है 5:30 PM to 6:30 PM, 1 घंटे की हमारी क्लास है और 1 घंटा आपके लिए बहुत जरूरी है इन 15 डेज में। नॉर्मली हमारे लिए ये 15 डेज का सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ MCQ पर ही रिलाई करते हैं, हम लोग डिटेल में उतना नहीं जाते। मंथली क्लासेस जो हमारी होती हैं हम उनमें डिटेल में जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को पेरेंट के साथ पढ़ाएं, क्योंकि जब आपने कचहरी जाना होता है, जब आपने कोर्स को फॉलो करना होता है या केसेस को फॉलो करना होता है, तो उसमें आपके पास सबसे चीज सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो पेरेंट होता है जिसको आपने हमेशा पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास अवेलेबल है, ये आपका शेड्यूल है। और अगर आप हमारी क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, तो 15 डेज की क्लासेस की फी इस वक्त 8,000 है, क्योंकि हमारी जो मंथली फीस है वो 15,000 है, और हम क्योंकि 15 डेज के क्लासेस दे रहे हैं तो हमने इसको एक डिस्काउंट भी मेरे ख्याल इसमें 8,000 पे करके आप क्लासेस भी ले सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, आपको नोट्स भी मिलेंगे और आपको बुक भी मिलेगी, कोई भी चीज आपको बाजार से मार्केट से परचेज नहीं करनी पड़ेगी। मैं हूँ आपके साथ लेक्चर नताशा सेठी, फाकर वकालत अकेडमी से। कॉन्टेक्ट करिएगा हमसे क्लासेस के हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से, गाइडलाइन के हवाले से, पेपर पैटर्न के हवाले से 0314-517-5178, 0312-155-054 पर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।